YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे एक बेहतरीन कंपनी जो कि काफी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो उस शेयर के बारे में हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। क्या आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है? क्या आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं? क्या यहाँ पर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा करोड़ों रुपए का रिटर्न दे सकता है? इन सारे पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। खास करके हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिये, ये कंपनी जो है आलोक इंडस्ट्रीज है, मार्केट कैप की बात करें 11,000 करोड़ का है। और यहाँ पर बात करें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का, तो यहाँ पर देखिए सेल्स जो है कंपनी का वो पिछले कुछ क्वार्टर में देखते हैं, तो देखिए दिसंबर क्वार्टर में 2000 करोड़ से ऊपर का है, सितंबर क्वार्टर में 1900 करोड़ का, जून क्वार्टर में 1200 करोड़ का, और यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर जंप हो रहा है सेल्स में। वही बात करें यहाँ पर जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है, 197 करोड़ का है दिसंबर क्वार्टर में, 113 करोड़ का है सितंबर क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में है 100 करोड़ का। अच्छा खासा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जंप हुआ है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगभग जो है ये जीरो पे आ चुका है। पहले काफी ज्यादा निगेटिव था, जबकि निगेटिव से यहाँ पर जीरो पे आ चुका है, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। पहले देखिए जून क्वार्टर में 97 करोड़ का था, सेप्टेम्बर क्वार्टर में 84 करोड़ का था, मतलब यहाँ पर निगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जीरो हो चुका है नेट प्रॉफिट। तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने मिला है यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर हम कैश फ्लो का, तो देखिए कैश फ्लो और बैलेंस शीट काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो शेयर कैपिटल जो है 497 करोड़ का है कंपनी के पास, रिजर्व जो है कंपनी का काफी ज्यादा निगेटिव में है, तो रिजर्व पे हमें ध्यान रखना है। रिजर्व में अगर सुधार होता है तो काफी बेहतरीन साइन होगा, कंपनी फंडामेंटली काफी सॉलिड हो जाएगी। और वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी का जो डेट है, डेट ये जीरो हो चुका है, यहाँ पर डेट आपको दिखेगा लेकिन अभी यहाँ पर डेट जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है उसे रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है। और प्रमोटर्स का स्टेक देखिए यहाँ पर 75% है, 75% रिलायंस इंडस्ट्री का 40% है और जेएम फाइनेंस का देखिए 35% है। अब बात करें टेक्निकल चार्ट पर, तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल चार्ट पर जैसे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट रीजन जो है इस स्टॉक का, सपोर्ट रीजन है 21 के आसपास, 21 इसका सपोर्ट रीजन हो गया। और वही बात करें अगर आप यहाँ पर स्टेक लेते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट वो आपका 27 रुपीज का होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आपको 27 रुपीज का लेके चलना है। और यहाँ पर जो आपको है सेकेंड टारगेट जो होगा वो 35 रुपीज का लेके चलना है। तो अगर आप यहाँ पर करेंट प्राइस पर एंट्री लेते हैं तो सपोर्ट रीजन जो इसका है 21 रुपीज, इसके नीचे जस्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है क्लोजिंग बेसिस, और फर्स्ट टारगेट 27 रुपीज का, सेकेंड टारगेट 35 रुपीज का, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा लॉन्ग टर्म में। जैसे आपको यहाँ पर स्टेक लेते हैं अगर 35 के ऊपर निकलता है तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट पे यहाँ रिटर्न जो 100% हो जाता है तो आप 50% प्रॉफिट जो अपना बुक कर सकते हैं। देखिए 50% क्वांटिटी बुक कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, जो भी जो होगा उसमें आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई होते जाना है। जैसे मल्टीप्लाई होते जाएगा तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके वो आपको देगा। देखिए ये एक सिंपल और काफी बेहतरीन एनालिसिस है। आलोक इंडस्ट्री में आप करेंट प्राइस पर निश्चित रूप से एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट रीजन के आसपास है, यहाँ से नीचे डाउन साइड जो है काफी लिमिटेड है इस शेयर का, और अपसाइड काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अगर कंपनी का जो बिजनेस है उसमें सुधार होता है, कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसमें सुधार होता है, निश्चित रूप से आपको इसमें काफी बेहतरीन रिटर्न देखने मिलेगा। खास करके ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है तो हमें मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं है। देखिए मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 1 year 2 year 3 years 5 years के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो मैनेजमेंट हमारा काफी सॉलिड है क्योंकि ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।